बोली ना जब नहीं मैं नहीं बोली, वो नंदू बोली। नंदू 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 मेरा भाई, वो दिन भर ना दो का पाड़ा गाता रहता है, तो सुनकर मेरे दिमाग में बैठ गया, इसलिए मैं बोली। और आप बोलती है मैं झूठ बोलती है। आप कितना डांटती है मुझे। शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाओ, साबित हो गया कि तुम झूठी नहीं हो, शांत हो जाओ ना। झूठी नहीं बोली ना। झूठ नहीं बोला। अब रोना बंद हो गया हो तो पढ़ाई शुरू करें। ठीक है। नहीं पढ़ेगी, मैं पढ़ाई नहीं करेगी। पहले आप माफी मांगिए। क्या? माफी मांगिए। नहीं मांगूंगा मैं माफी। मांगनी पड़ेगी, मांगिए। ठीक है, तो मैं भी नहीं पढ़ेगी। मुझे माफ कर दो वैजयंती, अब हम पढ़ें। आज बाल बाल बच गई, कौन देता। तो आज हम आप मुझसे दोस्ती करेंगे। वो मेरा भाई है ना नंदू, उसके बहुत दोस्त है क्योंकि वो पाठशाला जाता है, पर मैं नहीं जाती ना। पर अब मैं यहाँ पे पढ़ने आई हूँ ना, तो ये मेरी पाठशाला हुई ना, तो तुम यहाँ पढ़ने आई हो ना, तो हाँ। पढ़ो और जाओ, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं करता मैं। कोई बात नहीं, मैं आपकी दोस्त बन जाती हूँ। मुझे किसी से दोस्ती नहीं करनी, क्योंकि जब मैं किसी से दोस्ती करता हूँ ना, तो मैं जीवन भर का साथ निभाना चाहता हूँ। वैजयंती, जीवन भर का साथ ही तो चाहिए, साथ निभाना चाहती हूँ। बताइए ना, आप मुझे से दोस्ती क्यों नहीं करना चाहते, बोलिए ना। मैं नाम नहीं ले सकती, पर आप इसके वजह से मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते ना। ये आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी ना, इसीलिए आप इसकी जगह किसी को नहीं देना चाहते। पर आप घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए। मैं उसकी जगह नहीं लेना चाहती, मैं तो अपनी जगह बनाना चाहती। आपकी बहुत भाई जयंती, आप यही बोलती है ना, चलेगी मुझे। मैं पुराने रिश्ते तोड़ना नहीं चाहती, पर नए रिश्ते जोड़ना चाहती हूँ। वो हाथ छूटा, पर वैजयंती का साथ कभी नहीं छूटेगा। शो ये वैजयंती का वादा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई साथ छूटे या कोई हाथ छूटे। वैजयंती मुझे कोई परवाह नहीं, ना तुम्हारी ना बॉन्ड। झूठ तेरा उलझा धागा, सिरा ना हाथ में आए, एक भरोसा है खफा सा, कोई इसे समझाए। कोई मेरे जीवन में अब किसी के लिए कोई जगह नहीं।
नहीं है कोई जगह किसी दोस्त की या किसी रिश्ते की। तूने तोड़ा क्यों भरोसा मेरा, रिश्ता तेरा मैं लगवाता हूँ प्रवीण को इस लड़की की जन्म कुंडली निकलवाने के काम में। ये तो चंद्रचूड़ जमाई बाबू के साथ ही है। इसका मतलब ये लोग मुझे मतलब वैजंती को अगवा करने आए हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि वैजंती से सखा बाबू की शादी होने वाली है। मैं इसके सामने नहीं आ सकती, वरना सबको पता चल जाएगा कि वैजंती ही बोंदता है। कहाँ जा रहे हो तुम? यो जी, हम तो जी बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे जी। इधर हवेली बहुत बड़ा है तो पता नहीं चला किधर जाने। बाहर जाने का जी? जी कौन है तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? बता रहे जी, ये नीचे करो जी, बता। ये नाटक करना बंद करो। बता रहे जी कौन हो तुम? मैंने कहा दादा। बता रहे जी। अरे रुक बेटा, ये क्या कर रहा है? कौन है ये? कृष्णा नगर वालों ने फिर से जासूस भेजा काका। दादा अब आप जाइए, इसके साथ जो कुछ भी करना है अब मैं करूंगा। चल। मैं बोंदिता की माँ बोल रही हूँ, मुझे शिकायत करनी है आपसे। वैसे सखा बाबू मुझे भी शिकायत है आपसे। क्यों झूठ बोला? क्यों कहा कि आप मेरा नाम मेरी सारी यादें भुला चुके हैं, जबकि सच तो ये है बोंदिता और उसकी सारी यादें आपके दिल में जिंदा है। ये सब सबूत है कि आप झूठ बोल रहे सखा बाबू।
मैं जान चुकी हूँ कि आपने अपनी बौंदिता को ना ही अपने दिल से निकाला है और ना ही इस घर से।